जेपी जयंती पर सोमवार को हजारीबाग केंद्रीय कारा परिसर में स्थापित लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। ये कार्यक्रम 74 आंदोलनकारियों द्वारा आहूत किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता स्वरूप चंद्र जैन, सुरेंद्र सिन्हा, यशवंत सिन्हा की पत्नी नीलिमा सिन्हा, हरीश श्रीवास्तव, सुनील सिन्हा, मंजीत सिंह कालरा, बटेश्वर मेहता, दीपक नाथ सहाय, कृष्ण कुमार सिन्हा, शमशेर आलम, प्रियंबदा, ऋषिकेश प्रसाद, विनोद कुमार, बिगन दिलीप, इफ्तिखार अहमद, डॉक्टर लाला गोपाल आदि शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा ने पत्रकारों से बात करते हुए महापुरुषों के पथ का अनुसरण के साथ साथ बानादा की घटना और जिला प्रशासन की भूमिका पर भी बहुत कुछ कहा। आइए देखते हैं कि यशवंत सिन्हा ने क्या कुछ कहा। कारा में जिसका नाम हम लोगों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा रखवाया था कई साल पहले, वहाँ पर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे खुशी है कि जिस कारा में जेपी बंद थे और वहीं से अपने 6 साथियों के साथ 9 नवंबर को वो निकल कर आज़ाद उन्होंने अपने को किया था आज़ादी की लड़ाई में, वहाँ पर उसी कारा में उनकी प्रतिमा लगाई गई है और हम सब को ये मौका मिलता है कि यहाँ पर आकर आज के दिन उनको याद करें, उनकी जयंती के दिन, और याद करने के साथ साथ अगर प्रेरणा लेकर 2 कदम भी उनके बताए हुए रास्ते पर चल पाए तो हम लोग अपने को सौभाग्यशाली। सर आज के मैं कहूँगा युग पुरुष होते हैं जैसे जेपी थे, तो उनकी जो भी सोच उनकी विचारधारा वो बराबर के लिए ही वो सार्थक होती है। ऐसा नहीं है कि उनका युग बीत गया तो वो सार्थकता खत्म हो गई, आज भी उतनी ही सार्थकता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि देश की राजनीति में मूल्यों का स्थान हो, केवल स्वार्थ का स्थान नहीं हो। जेपी से अगर एक सीख लेनी है तो यही लेनी है कि राजनीति में भी मूल्यों का स्थान होना चाहिए, केवल चुनाव जीतना ही मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता। नहीं, अब देखें तो वो तो छानबीन का प्रश्न है, लेकिन मैं मानता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की बात चल पड़ी कि देश में बिजली संकट है। केंद्र के मंत्री ने इस बात से इनकार किया है कि कोई संकट है, लेकिन हम लोग यही हजारीबाग में महसूस कर रहे हैं कि संकट है, क्योंकि बिजली गायब रहती है। तो इसलिए संकट से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, जो लोग शासन में बैठे हैं उनको संकट का मुकाबला करना चाहिए और जनता को जो सच्चाई है वो बताना चाहिए। कोई कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी और सब जगह बढ़ी है हाल के दिन में, जितने रॉ मटेरियल्स हैं ना दुनिया भर में उन सबके प्राइस में वृद्धि हुई है, उसमें कोयला भी शामिल है। तो कोयले का शॉर्टेज भारत जैसे देश में हो जाए ये विडंबना है कि बाद बारिश ज़्यादा हो गई, बारिश तो होती है।